गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, टुडे वी विल राइट द चैप्टर नंबर 4. नाउ वी लर्न अबाउट द जॉइंट्स. लास्ट टाइम हम लोग ने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, उसका रिवीजन हम लोग दोबारा करते हैं. ओके, होल्ड अ पेंसिल, लुक, लिफ्ट अ बुक, बेन योर हेड. वी कैन डू ऑल दीज एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ माई जॉइंट्स. होल्ड अ पेंसिल मीन्स अगर आप एक पेंसिल को पकड़ते हो, लिफ्ट अ बुक मान लीजिए कोई किसी बुक को आपने उठाया, बेंड योर हेड आपने अपने हेड्स को बेंड किया मतलब मोड़ा. वी कैन डू ऑल दीज एक्टिविटीज़ मतलब आप ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो किसके ज़रिए पे, बिकॉज ऑफ जॉइंट्स के. अगर आपके पास जॉइंट्स नहीं होंगे आपकी बोन्स में तो आप ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो. ओके, सो कैन यू टर्न योर हेड अराउंड फुली, क्या आप अपना जो हेड है वो चारों तरफ एक साथ घुमा सकते हो. नो, दिस इज़ बिकॉज द जॉइंट इन द नेक अलाउज ओनली लिमिटेड मूवमेंट. जो आपका जॉइंट्स है नेक का, वो आपको क्या करता है, लिमिटेड मूवमेंट करने के लिए परमिशन देता है. कैन यू लिफ्ट अ पेंसिल विदाउट बेंडिंग योर फिंगर्स, आप अपनी उंगलियों को बिना मोड़े क्या कोई पेंसिल आप पकड़ सकते हो. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को उठाते हैं ज़मीन से तो हमें अपनी उंगलियों को मोड़ के उसको पकड़ना पड़ता है. सीधी सीधी उंगलियों से आप किसी भी चीज़ को उठा नहीं सकते हो. ओके, इसलिए उसको बेंड करना ही पड़ेगा, मोड़ना ही पड़ेगा हमें. द जॉइंट्स इन आवर फिंगर्स अलाउ अस टू बेंड आवर फिंगर्स. जो हमारे फिंगर्स के जॉइंट्स होते हैं वे हमें उंगलियों को मोड़ने की परमिशन देते हैं, मतलब अलाउ होता है कि आप अपनी उंगलियों के जॉइंट्स को मोड़ सकते हो. नाउ फील द जॉइंट्स इन योर नीज एंड टोस. क्या आपने अपने नीज और टोस में जॉइंट्स फील करें कि आपका जो नीज है और टोस है वो मुड़ता है. कैन दे बैंड, क्या आप उसको मोड़ सकते हो. येस दे कैन, क्योंकि आप वो भी कर सकते हो क्योंकि उसमें भी जॉइंट्स होते हैं. ओके, नाउ इन दिस पीरियड वी लर्न अबाउट द मसल्स. वॉट इज़ द मसल्स. मसल्स क्या होती हैं. द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी आर मेड अप ऑफ मसल्स. जो हमारी बॉडी का सॉफ्ट पार्ट होता है मतलब बॉडी का, तो दैट इज़ कॉल्ड मसल्स. हमारे शरीर में बहुत सी मसल्स होती हैं. देयर आर अराउंड 600 मसल्स इन आवर बॉडी. आप और आपके बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं. हाउ मेनी बोन्स इन योर बॉडी डू यू नो. 206 बोन्स होती हैं बेटा, हमारे शरीर में 206 बोन्स होती हैं. और मसल्स कितनी होती हैं, 600 मसल्स इन आवर बॉडी. मीन्स हमारी बॉडी में कम से कम नियर अबाउट 600 मसल्स हमारी बॉडी में होती हैं. मसल्स कवर द बोन्स. मसल्स क्या करती हैं, जो हमारी बोन्स होती हैं, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनको वो कवर करती हैं. बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर एंड अलाउ मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. मीन्स बोन्स हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक साथ वर्क करती हैं. हमारी और हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं मसल्स के द्वारा हम लोग किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, रख सकते हैं. और हमारी हड्डियों के द्वारा और मसल्स के द्वारा जितने भी वर्क होते हैं वो दोनों क्या करते हैं, एक साथ करते हैं. मतलब बिना बोन्स के और बिना मसल्स के हम लोग कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं. ओके, सो देखिए, देयर आर अ पिक्चर ऑफ आर्म एंड लेग्स एंड शोइंग द मसल्स. देखिए, इनके आर्म्स में लाइंस दिखाई जा रही है आपको, तो दैट इज़ कॉल्ड नर्व्स. ये सारी हमारी क्या है, नर्व्स हैं. लेग्स में भी देखिए काफ़ी सारी लाइंस हैं, जो लाइंस शो करती हैं कि हमारी जो हड्डियाँ, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उसके अंदर बहुत सी नर्व्स होती हैं. अगर आप नर्व्स का फिगर देखेंगे तो नर्व्स बहुत सारी होती हैं, इसमें थोड़ा सा शो किया गया है. ओके, सो नाउ आवर आर्म्स मसल्स हेल्प अस टू राइट कैरी होल्ड थिंग्स. हमारी जो आर्म मसल्स होती हैं वो हमें लिखने के लिए या किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, किसी चीज़ को कैरी करने के लिए हेल्प करती हैं, हमारी सहायता करती हैं. जबकि आवर लेग्स मसल्स हेल्प अस टू रन, वॉक एंड जंप.
हमारे जो लेग्स हैं मसल्स होती हैं, जो लेग में मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमको दौड़ने के लिए या वॉक करने के लिए, जंप करने के लिए हमारी हेल्प करती हैं। ओके, सो योर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। नेक्स्ट पीरियड आई विल कंटिन्यू द कीवर्ड्स और हार्ड वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट पीरियड में हम लोग हार्ड वर्ड्स लिखेंगे। ओके, थैंक यू।